अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज जिस प्रोडक्ट का हम रिव्यू करने वाले हैं वो आपके सामने है जी, हीटर है। वैसे तो अभी गर्मियों का मौसम है लेकिन अभी सर्दियां आने वाली हैं, ठीक है। और ये प्रोडक्ट जो है वो मैंने काफ़ी देर यूज़ करने के बाद तब मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ, जैसे हमेशा मैं करता हूँ, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होता है और मैं यूज़ करता हूँ, देन मैं आपको रिव्यू देता हूँ। ये नहीं कि अनबॉक्सिंग, सॉरी, मोबाइल कैमरा जो है वो हिला। ये भाईजान प्रोडक्ट है, ठीक है, एंड सिम्बो का क्वार्ट्ज हीटर, मतलब बिजली वाला हीटर है, ठीक है। देखिए डब्बा थोड़ा सा बड़ा है तो शायद वो आ नहीं रहा उसमें, ठीक है। ये मैं पूरा डब्बा आपको दिखा दूंगा। ऑन और ऑफ का बटन है इसमें। NSB 80 एम्पेयर सिम्बो प्लस चाइनीज़ बेसिकली ये वो है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी ये कितनी बिजली लेता है वो भी मैं आपको जो है ना इधर ही बता देता हूँ। ये चाइनीज़ में लिखा हुआ है 400। इसमें दो रॉड्स हैं तो एक रॉड जो है वो 400 वाट लेता है, और दो रॉड्स जो हैं वो इसी तरह का ही है। इसमें दो बटन्स हैं, एक रॉड दो रॉड, एक रॉड 400 वाट्स, दूसरा रॉड जो है वो भी 400 वाट्स, ठीक है। आप दोनों में से एक भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका पूरा जो है बॉक्स है, और ये इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है 2 क्वार्ट्ज हीटिंग एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स मतलब रॉड्स, 400 वाट्स का एक रॉड, 800 वाट्स के दोनों, विद हैंडल पोर्टेबल, सेफ्टी टिप ओवर स्विच। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या है, सेफ्टी मैश ग्रिल, ये ग्रिल उसके आगे लगी हुई है। इसके अंदर स्विच होता है, बेसिकली मैं आपको बता ही देता हूँ, जो बच्चे बच्चे इसको गिरा दें ये तो ऑटोमेटिकली बंद होता है, वो स्विच किधर होता है मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो ये उन्होंने सारा कुछ जो है ना बताया हुआ, 2 एलिमेंट्स, ये सारा कुछ मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में ना, इंग्लिश सारा कुछ। तो अब इसको खोलते हैं हम, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। ये इसका जी भाईजान हीटर है, सॉरी फिर वो हिला, और ये इसमें चीज़ें थी, मैं पहले चीज़ें सारी निकाल दूँ आपको। ये और ये जो रैपर था जिसमें ये आया, इसको हम अंदर ही डाल देते हैं, ठीक है। और ये इसकी मैनुअल है, ठीक है, जो कि भैया कोई भी नहीं पढ़ता, पढ़नी हो तो आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, ओके। क्वाड हीटर 50 हर्ट्ज़, 220 वोल्ट, 800 वाट्स, ठीक है। तो इसको अच्छे से महज़ब लोगों की तरह हम इसको वो करते हैं, ऐसे तो इसका हाल बुरा हुआ है, ठीक है। तो ओके, तो ये मैं इसको भी साइड पर रख रहा हूँ। ये भाईजान इसकी टांगें हैं, कांपें टांग रही हैं, वो वाली टांगें हैं, ठीक है ना ये, लेकिन ये कांपती नहीं है, ये स्टिल ही रहती हैं। तो मैं इसको आपको लगा के भी दिखाता हूँ, फिर इसका मैं सारे जो है ना क्या सीन है, क्वालिटी है, डीच एंड एवरीथिंग जो है ना, मैं इसका बताता भी हूँ आपको। ये आपने सिंपली इसमें डालना है, ये लग गया सिंपल, ये इसमें ये दो जो हैं बने हुए, ये इसके अंदर आपने डाल देने, आपको अगर नज़र आ रहे हो, ठीक है, ये लगाओ सिंपली। अच्छा, वो स्विच जो मैं आपको बता रहा था ना, वो ये था, ये स्विच है बेसिकली, वो बच्चों के लिए। अब जब आप रखते हैं ना तो ये स्विच दब जाता है, आवाज़ आई होगी आपको, ये देखें ये ऐसे दब गया, ठीक है। तो जैसे ही कोई गिराएगा ना बच्चा, तो ये स्विच उठ जाएगा, खुल जाएगा और बंद हो जाएगा। ये इसके दो बटन्स हैं, ठीक है, ये देखें दो बटन्स, दोनों चलाने हैं, दोनों चला लें, एक चलाने एक चला लें, ठीक है। ये रॉड है, ये देख रहे हैं ख़राब भी हुआ है। आप, मैं आपको सारा कुछ इसका जो है ना बताऊंगा। एक टांग जो है वो उतर गई है, ये कांपे टांगरे वाला सिस्टम ही है। खैर, ये भी उतर रही थी, इसको भी मैं दोबारा लगा देता हूँ। ये मैंने लगाया और ये इधर रख दिया, ठीक है, ऐसे ही ऐसे, ठीक है। अब सीन क्या है, अच्छा यार, ये तकरीबन 1100 रुपये का, या मैं आई थिंक 1300 रुपये का मैंने लिया ऑनलाइन, और मैंने इसको यूज़ किया। हीट इसकी अच्छी है, क्वालिटी इसकी नॉर्मल ही है, ज़ाहिर इतने प्राइस में इतना ही आता है ना, बिजली भी ज़्यादा महंगी है तो इतने प्राइस में इतना ही आता है, ठीक है। तो इसका सीन क्या है, सेफ्टी स्विच भी है इसमें, दो रॉड्स हैं, दोनों में से आप एक भी यूज़ कर सकते हो। क्वालिटी, ये मैश लगा हुआ है, ठीक है, मतलब अंदर हाथ कोई नहीं डाल सकता।
ठीक है, और सेफ्टी टिप की वजह से ये ज़्यादा ज़रा वो हो जाता है, ये देख रहे हैं आप, जब आप रखते हैं ना तो ये प्रेस हो जाता है, तो ये चल जाता है, समझ आ रही है ये? अगर ये ऐसे रहेगा ना ऐसे, तो फिर हीटर चलेगा नहीं, चाहे आपने इधर से ऑन भी किया हुआ है। ओके, अब इसका मैं बता भी देता हूँ कि ये यार ये बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, इसके रॉड जो है ना वो ख़राब भी हो जाते हैं, ठीक है। इसका स्विच भी अगर आप किसी गंदी एक्सटेंशन में या स्विच में लगाएंगे और बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ करते रहेंगे ना, तो ये स्विच भी जो है ना सड़ मतलब ख़राब हो जाएगा, ये नहीं सड़ता लेकिन हीट प्रोड्यूस, इतनी हीट प्रोड्यूस करता है ये जल जाता है। फोकस में करके दिखा देता हूँ, ये जल जाता है। मेरे पास दो हीटर थे, मैंने दोनों यूज़ किए हैं, अब मैं ये लेके आया, इसका ये ठीक है, दूसरे का वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, ठीक है। ये अगर फोकस आप कर रहे हो, ये मेरा मोबाइल अगर कर रहा हो, सॉरी, आपने क्या करना है, ठीक है। तो ये अब सीन क्या होता है कि यार ये थोड़ा सा खराब, इसमें जो है मसला क्या है कि इसका एक रॉड जो है ना वो खराब भी हो गया था। अब इसके रॉड का मैं आपको बता दूं, ये रॉड मतलब चेंज भी हो सकते हैं, अगर ये खराब हुआ है तो आप किसी हीटर वाली दुकान पे जाएंगे तो उनके पास ये होते हैं, आपने शायद देखे भी हो, तो ये चेंज भी हो जाते हैं। अच्छी चीज़ है, अच्छी हीट प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है। एक कमरे के लिए, जो नॉर्मल कमरे होते हैं उनके लिए बेस्ट है ये, और इसके सेफ्टी टिप की वजह से ये ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि अगर आप इसको स्टिल रखेंगे, सेफ्टी टिप दब जाएगी तो ये चल जाएगा, वरना नहीं। मैं आपको इसको चला के भी दिखाता हूँ ताकि आप ये ना कहेंगे ये वीडियो बना दिए, चलाया तो है नहीं है, ठीक है। तो मैं इसका स्विच लगाता हूँ, चीज़ें बढ़िया हैं इधर, तो ये मैंने लगा दिया। अब मैंने इसका बटन दबाना है, ये दोनों रॉड्स के बटन दबे हुए हैं, लेकिन ये नहीं चलेगा, तब चलेगा जब मैं पीछे ये नीचे से रॉड दबाऊंगा, अब ये खड़ा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये मैंने दबा दिए, ठीक है। तो आप देख लें, खैर ये वो वाला हीटर नहीं है जो मैं आपको बता रहा था जिसकी एक रॉड है ख़राब है, अभी काफ़ी ज़्यादा हीट आने लग गई है। अब मैं जैसे ये छोड़ूंगा, ये छोड़ दिया मैंने वो नीचे से, मतलब अगर ये रखा होता तो दोनों बंद हो गए, हालांकि इधर से ऑन है। ये दूसरा हीटर ही है मेरे ऑफिस वाला, ये ठीक है। एक मैं उसका बता रहा था आपको, जो एक बहुत ज़्यादा यूज़ किया हमने घर में, और उसकी एक रॉड भी ख़राब होगी, और उसका जो ये स्विच है वो भी थोड़ा सा जल गया, क्योंकि इतना ज़्यादा वो कॉन्स्टेंटली यूज़ हुआ, जब आप लगातार इसको यूज़ करेंगे ना तो ये थोड़ा सा जल जाएगा, ख़राब नहीं होगा ये, लेकिन ये जल जाएगा, मतलब हीटर ख़राब नहीं होगा, जल जाएगा। तो ये सीन, अभी आप ये देखें, ये भी थोड़ा सा अगर चला हो ज़्यादा तो ये भी थोड़ा सा हुआ हुआ है। अब इसको लिखा हुआ डू नॉट कवर, इसको कवर करेंगे तो ज़्यादा हीट ही नहीं आएगी, सिंपल। तो भाई ये था सारा कुछ, अब आप सोच लें अगर आप अफोर्ड करते हैं बिजली पे तो फिर ये अच्छा वे है, गैस आती नहीं है भाई, हीट तो हमें चाहिए, बच्चे अगर आपके घर में तो फिर आपको ये हीटर ले लेना चाहिए, 800 वॉट्स इतना भी नहीं है, ठीक है ना। आप एक चला लें रॉड, नॉर्मल हो जाएगी। एसी अगर आप चलाते हैं, एसी में हीटर आप चलाते हैं, तो वो भी ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ेगा, ये उससे ज़्यादा बेहतर है, मैं समझता हूँ। एक रॉड चलाएं, एक रॉड एक थोड़ी देर चला लें, उसको रेस्ट दे दें, फिर दूसरा रॉड चला लें, उसको रेस्ट दे दें, थोड़ी देर अगर हीट अच्छी होगी कमरे में तो इसको बंद कर लें, इसको भी रेस्ट मिल जाएगा। ओके, तो भाइयों ये है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अभी सर्दियां आने वाली हैं, ये मैंने इसलिए भी पहले रिकॉर्ड नहीं किया कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और इसकी बारी नहीं आई, तो अब बारी आई है तो मैंने ये रिकॉर्ड कर दिया। अगर ये आपको लगता है कि आप अफोर्ड करते हैं बिजली, 400 वॉट्स का एक, 400 वॉट्स का एक, तो आप मंगवाएं, सेव है ये, सेफ्टी टिप की वजह से ऐसे रखेंगे तो दब जाएगी, किस स्टेबल जगह पे आपने इसको रखना है, ये है नहीं ऊपर खाप चलेगा ही नहीं, वो सेफ्टी टिप जो है वो दबी होनी चाहिए फिर चलेगा। अगर कोई बच्चा इसको धक्का ऐसे मारता है ये गिर जाएगा ऐसे, तो ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, सेव है ये, गुड यार। चाइनीज प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, क्वालिटी ज़ाहिर है यार, आपने प्राइस अब 1300 में क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता भाई, तो भाई ये 1300 में बेस्ट चीज़ है, अफोर्डेबल है मेरे हिसाब से, और अच्छा है, फिट है, आप यूज़ करें आपको मज़ा आएगा। और अब वीडियो लंबी हो रही है तो इसको हम आज ही इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।